तेरा भाई चला उसको मना कर रहा था। मैं बोला था कि मेरे पास में रात को सो, उसको बोला था। पुण्यातील कोंढवा भागामध्ये भिंत कोसळून 15 मजूर ठार झालेले आहेत। आज सकाळची, आज रात्रीची, म्हणजे खरं तर मध्यरात्रीची घटना आणि अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे। पण या घटनेमधनं जवळपास 15 नातेवाईक, 15 आप्तस्वकीय गमावणारे विमल शर्मा माझ्यासोबत आहेत, जे स्वतः या अपघाताचे घटनास्थळी तर उपस्थित होतेच, साक्षीदार तर आहेच, पण त्याचसोबत एक खूप मोठी धक्का त्यांना बसलेला आहे। आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया। हम सभी आपके दुख में सहभागी है, लेकिन पहला प्रश्न मेरा ये है कि जब आपको 1 बजे आप सोए थे तो आपको पहले आवाज़ आई या क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं 1:15 बजे रात को उठ के थोड़ा बैठा 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट के बैठने के बाद बारिश थोड़ा जोर से था, तो बारिश के लिए मैं उठा नहीं, फिर वापस रूम पे सो गया। सोने के बाद में ऐसा 5 मिनट के बाद अचानक डायरेक्ट जो गिरा, मेरे को लगा कि बिल्डिंग गिर गया हमारे ऊपर, पूरा बिल्डिंग, पूरा एक बार में इतना आवाज़ आया कि जोर आया पूरा, मेरे को लगा बिल्डिंग गिर गया वो दीवार के साथ में। फिर मेरा आधा बॉडी फंस गया हूँ, तो मैं कैसे भी करके मेरा मुझसे एक तरफ से आवाज़ आ रहा है, कोई बचाओ, कोई मेरे को बचाओ, कोई बचाओ। तो फिर इसने सुना, मेरा भाई ने ये सुना, सुनने के बाद ये 2-3 लोग लेके आया, और लेने के बाद में मेरे को खींच के वो मुंडा बिंडा वो पत्थर हटा के फिर मेरे को निकाला। निकालने के बाद जब देख रहा हूँ कि मेरा जितना हम लोग का गांव का है सब आदमी दबेला है, मट्टी के अंदर में सब दबेला है। फिर मेरे बगल में मेरा भाई था, फिर वो फूफा का लड़का था, उसको खींच खींच के हम लोग हाथ से निकाले दोनों को। भाई का ये सर इस बार आ गया, आग दोनों बार आ गया मेरा भाई का, उसमें बाकी लोग 2-3 फुट के अंदर में दबेला था, वो उसको उठाने का कुछ चांस ही नहीं था, इतना बड़े बड़े ये था पत्थर था उसको। कितने लोग ये साइट पे रहते थे और कितने दिन से आप ये साइट पे काम कर रहे हो? अभी हम लोग 2-2.5 महीना से साइट पे काम करते हैं। और कितने लोग साधारण जितने भी मतलब रूम्स थे उन्होंने निकले थे तो कितने लोग रहते थे? अभी इधर हम लोग को दोनों लाइन का झोपड़ी में कम से कम 30-35 आदमी रहते थे, तो ये साइड का जो जितना दबेला ये सब का सब गया, सिर्फ मैं बचा एक। इसमें उस साइड का जो था वो लोग निकल के रात को भाग गया। अभी जो 15 लोग गए हैं इस हादसे में, तो आपके रिलेटिव्स थे उसमें, छोटे बच्चे थे या महिलाएं शामिल थी, तो वो कौन थी? अपने में रिश्तेदार, कोई मेरा समझो मामा का लड़का है, कोई मेरा पीसी का लड़का, बहन का पिताजी का वैसा लड़का है, मतलब सब रिश्तेदार में, सब कोई दूर का आदमी नहीं है, सब अपने में है। और आप प्रॉपर कहाँ के हो? हम लोग कटिहार डिस्ट्रिक्ट के है, बिहार से। हमारा ग्राम 22 बीघी है और पोस्ट महिसाल है, प्रखंड हमारा बलरामपुर है, और तालुका जो बोले आप हमारा विधानसभा क्षेत्र बारसोई है। हाँ, लेकिन अभी जो आपको मदद मिली है, सुबह से आपको हॉस्पिटल में लेके गए जाया होगा, या फिर जो भी मदद मिली है, जो भी लोग आ रहे हैं, तो आप मतलब खुश है या और कुछ ज़रूरत है क्या? नहीं, जो हम जो मेरा ट्रीटमेंट था मेरे को लेके गए थे साहब लोगों ने, लेके तो ससुर में जाके वो लेके लाए, मेरे को चेक भी करके आया, मेरा इससे कुछ नहीं था, ये सब हाथ में जो लगा है हमारा, क्योंकि मेरा सामने जो झाड़ गिरा है झाड़ की वजह से मैं बचा हूँ, नहीं तो जगह पे डायरेक्ट मैं भी जाता था। अरे, और 5 मिनट अगर लेट होता तो फिर मैं भी जाता था, क्योंकि मेरा ये सर दब गया था और सांस लेने को जमता था नहीं, चद्दर मेरा था लगा हुआ उसमें, तो कैसे भी एक हाथ मेरा चल रहा था उसमें से फटाया, फिर मैं बोला मेरे को कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, फिर इसने आवाज़ सुना मेरा। माझ्या सोबत अजूनही एक व्यक्ती आहे की जे स्वतः इथे राहायचे, आपण त्यांच्याशी बोलूया आणि त्यांच्याकडनंही जाणून घेऊया की त्यांना नेमकं काय वाटतं किंवा काय भावना आहे। आपने जब रात 1 बजे ये आवाज सुनी तो क्या पहले क्या किया आपने? पहले तो उठा, उठ के बाहर आया, बाहर आया तो देखता हूँ कि पैर पर वाल गिर गया नीचे, और फिर डायरेक्ट विवन भाई का आवाज़ सुनाई को मिला, तो फिर इसको आकर के निकाला। नहीं नहीं, लेकिन अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि इतने हमारे रिश्तेदार है पूरे, जो भी एक खून के साथी है और उनको गमाया है, ये कितना बड़ा दुख है, क्या लगता है? मेरा भाई जिंदगी में, मेरा भाई चला उसको मना कर रहा था, मैं बोला था कि मेरे पास में रात को सो, उसको बोला था, उसको भी बोला कि दूसरा रूम में, वो रात को वो लोग रूम ठीक करे, मैं बोला अभी बारिश गिरेगा ये रूम में मत, तो 2-3 जानतों पर भी बसता था मेरे साथ में, मेरा भाई सोता तो वो बसता था एक ही रूम के अंदर में, मगर वो लोग अलग जगह पे सोए, उसी रूम पे अलग अलग रूम पे सोए। और छोटे छोटे बच्चे जो मतलब जिन्होंने अभी तक जिंदगी भी देखी नहीं थी, वो अभी नहीं है, तो कौन थे वो बच्चे, क्या नाम थे, क्या बताओ थोड़ा? वो मेरा वो भैया का लड़का था अजीत शर्मा था बच्चे का नाम, छोटे लड़के, छोटा एक वो भी दास था, एक सोनाली देवी था, और एक रेखाल शर्मा था, बच्चे लोग। और हम सब आपके साथ में है, तर पुण्यामधली ही घटना आणि कोंढव्यामधली आणि यांनी आपले लोक गमावलेले आहेत, तर अशा घटना पुन्हा वारंवार होऊ नये यासाठी खरं तर आपण सर्वांनीच, प्रशासनानी, सरकारने आणि सगळ्यांनीच काळजी घेणं गरजेचं आहे। नेहा सरफ, लोकमत ऑनलाईन, पुणे।